नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज भी एक पेपर सॉल्व करेंगे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे द्वारा आयोजित एपीओ एग्जामिनेशन के पेपर को सॉल्व करेंगे, और फर्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। और रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं आता है तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ई ऑफिस? ए अकाउंटेबिलिटी, बी ट्रांसपेरेंस, सी पेपरलेस ऑफिस, एंड ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि इसकी ऑब्जेक्टिव जो है वो सभी मामलों में बनती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई ऑफिस? ए द मोमेंट ऑफ रिसीप्ट एंड फाइल्स बिकम सीमलेस, बी देयर विल बी मोर ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम, ईच एंड एवरी एक्शन टेकन ऑन ए फाइल इज रिकॉर्डेड इलेक्ट्रॉनिकली, सी इट्स सिंप्लीफाई डिसीजन मेकिंग एज ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट ए सिंगल पॉइंट, डी इट इनविजन ए पेपरलेस ऑफिस विथ इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इफिशेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑल फोर आर करेक्ट, सो आंसर डी इज ऑल ऑफ एबो, ऑल द एबोव इज करेक्ट। आवर आंसर इज डी, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट आर द प्राइमरी मॉड्यूल्स अवेलेबल इन योर ऑफिस? ए रिसिप्ट, बी फाइल, सी डिस्पैच, एंड डी इज ऑल थ्री। तो ऑल थ्री इज द ऑप्शन इज करेक्ट। एक्चुअली द विजन ऑफ योर ऑफिस इज टू अचीव सिंप्लीफाइड, रिस्पॉन्सिव, इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट वर्किंग ऑफ ऑल गवर्नमेंट ऑफिस। ई ऑफिस इज बिल्ट ऑन ए ओपन आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म विच एनेबल्स इट इज टू बी रिज्यूएबल, रीयूजेबल फ्रेमवर्क दैट कैन बी रिप्लिकेट अक्रॉस द गवर्नमेंट एट सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो ऑल थ्री क्वेश्चंस आर वेरी गुड एंड इंफॉर्मेटिव, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ सीबीटी? सीबीटी इज ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सीबीटी? ए ट्रांसपेरेंट, बी स्पीड एंड इफेक्टिव, सी एक्यूरेसी, एंड डी इज ऑल द थ्री। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ वीपीएन? वीपीएन इज अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, डेलीगेशन ऑफ पावर फॉर क्रिएशन ऑफ नॉन गल्फ स्टेट डिविजनल कंट्रोल पोस्ट। इट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। डीआरएम सर, ओके। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ राइट साइजिंग? ऑप्शन ए मिनिस्ट्रियल कैटेगरी, बी ग्रुप डी कैटेगरी, सी आरपीएफ कैटेगरीज, एंड डी नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज सी आरपीएफ कैटेगरी एंड सेफ्टी कैटेगरी। सो इन एग्जामिनेशन यू कैन फाइंड टू ऑप्शंस, आरपीएफ कैटेगरीज एंड सेफ्टी कैटेगरी, एनी वन विल बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर डीलिंग विद वैकेंट सरप्लस पोस्ट हैविंग डायरेक्ट कोटा, डीआर कोटा, ओके, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा? ए कैप्ट फ्रोजन, बी ट्रांसफर
to other units, C, surrendered, and D is none of the above. The right answer is C, surrendered. Question number 60. A staff who retiring shortly and cannot be redeployed at same station, what procedure will be followed? A. Post should be frozen. B. Post should be transferred to other units. C. Staff should be placed against. And D is none of the above. The right answer is C. Staff should be placed against. Okay. Question number 61. Dash percentage of share of money value for any post surrender through work study report should be kept in the division. It is 50%. Okay. Then 50% for division and 35% for headquarter. Now look at. And 15% for relay board. Look at. So you can take a screenshot for this. Now, our answer is D is the right answer. But in this question, we take a fact about this matter. Come on, question number 62. Son-in-law of employee, ex-employee, is eligible for appointment on compensation ground appointment under the following circumstances. A. If the son-in-law is a graduate. B. If the son-in-law is chosen as breadwinner by the family. C. If the son-in-law is dependent on ex-employee. And D is appointment to son-in-law is not permitted under CGA. Now answer B is right. Okay. A clear certificate should be forthcoming from the wife, widow, widower that the near relative will act as a breadwinner of the family is the concept of this question. Okay. Now let's move up to question number 63. A request for grant of CGA from the ward of missing employee can be considered after a lapse of dash years from the date of missing. Option A, 6 months, B, 1 year, C, 2 years, and D is no CG can be considered. The option C is correct answer. 2 year. Question number 64. Additional second chance for passing aptitude test to the compassionate ground appointee for the post of assistant station master and assistant loco pilot shall be permitted after a gap of 6 months. It's a direct question and option B is the right answer. Question number 63. रेल कर्मचारी के गायब होने के कम 2 वर्ष के बीच जाने के पश्चात अनुकंपा नियुक्ति की प्रार्थना पर विचार किया जा सकता है बशर्ते FIR दर्ज करा दी गई है और गायब व्यक्ति का कोई अता पता नहीं मिल रहा हो ऐसा पुलिस का कहना हो तथा सक्षम पदाधिकारी यह महसूस करता हो कि मामला जस्टिफाइड है न्यायोचित है तो ही इसमें अपॉइंटमेंट के बारे में सोचा जा सकता है या किया जा सकता है कंसीडर किया जा सकता है ठीक है तो ये मैटर ऑफ फैक्ट है क्वेश्चन नंबर 65 व्हाट इज द मैक्सिमम
amount of pension as per the CPC. Option D is the right answer. 1,25,000. Okay. 9,000 is a minimum plus DA. Okay. Family pension here. And this is the right answer for this question. Come on. Question number 66. What is the prescribed time limit to submit a representation by an aggrieved woman at a workplace on the ground of sexual harassment? It's a 3 months of the incident. Within 3 months from of the incident, that means option C is the right answer. My advice to next APU examination, please read the chapter of sexual harassment in regarding of the railway examination. Question number 67. In a railway context, what does PREM stand for? PREM is participation of railway employee in management. Option D is correct. Question number 68. In the context of budget review, when is the final modification done every year? Final modification is done in February month. Budget review is done in 3 ways. First, August review in August, revised estimate including a budget estimate in December, and final modification in February. Point to be noted, what I am saying, so got my points in this regard. Question number 69. What is the full form of CAT? CAT is a Central Administrative Tribunal. Option A is correct. Okay. Question number 70. What is the full form of RDSO? RDSO is a Research Design and Standard Organization situated in Lucknow. Option B is the right answer. Question number 71. What is the word DO which is used by daily correspondence? DO, that means demi official letters. It is option C is the right answer. These type of letters started with sir or my dear. So you can understand officers equivalent and higher also and lower. That means this is the form of demi official letters. Question number 72. What is the full form of IREC? IREC is a Indian Railway Establishment Code. Option B is the right answer. Question number 73. When and where was the first train in India run? April 16th, 1953 is the right answer. Borivendra to Thane. Kilometer that time. 21 topo ki salami se. Chaliye, question number 74 pe chalte hain. When was the railway board formed? 18 February 1905. Yes. This is the right answer. February 18, 1905 को बना था, जिसमें एक चेयरमैन, वन चेयरमैन एंड टू मेंबर्स एट दैट टाइम. क्वेश्चन नंबर 75. विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया? इट्स अ बोगीवील bridge. Question number 76. Who is the competent authority to approve third chance in the suitability to ward and widows for appointment on compassionate ground? It's a GM. Option A is the right answer.
क्वेश्चन नंबर 77, रिक्वेस्ट फॉर आउट ऑफ टर्न अलॉटमेंट ऑफ रेलवे क्वार्टर फ्रॉम द एलिजिबल डिपेंडेंट्स एसिफाइड रिलेशंस ऑफ डिसीज्ड रेलवे एम्प्लॉय हु आर अपॉइंटमेंट ऑन कंपेंसेट ग्राउंड में बी कंसीडर फॉर अलॉटमेंट फॉर विच टाइप ऑफ क्वार्टर. ऑप्शन ए एज पर द एलिजिबिलिटी ऑफ द पोस्ट इन विच सी जी इज गिवेन. ऑप्शन बी इज टाइप वन, सी इज टाइप टू एंड डी इज वन टाइप बिलो द एंटाइटलमेंट ऑफ द डिसीज रेलवे एम्प्लॉय. एज पर द एलिजिबिलिटी ऑफ द पोस्ट इन विच सी जी इज गिवेन इज द राइट आंसर. Okay, this also be correct, but now in this question, my opinion, option A is right. Question number 78. What is the percentage of direct recruitment of senior clerk? Option A, 20%, B, 30%, C, 40% and D is 50%. The right answer is A, 20%. What is the percentage of direct recruitment of staff nurse? Option Option A, 100%. In question number 77, the same residence might be regularized in the name of the eligible relation if he or she was eligible for a residence of that type or higher type. Okay. In other cases, the residence of the entitled type or a type next below is to be allotted. So you can understand what I am saying. Now, question number 80. We will discuss the question number 80. Classification of a staff for the purpose of holiday who are in administrative office doing work of secretariat nature are called office staff. That means option B is the right answer. Okay. Office staff. Railway servant in administrative offices doing work of secretariat nature properly referred to as a office staff. This category includes all railway servants working in the headquarters, divisional offices and other similar offices jo establishments related hai, called office staff. Now question number 81, the holiday of three category is to be choose in consultation with organized labor. That means option C is the right answer. This is the direct question. Okay, now question number 82. Monetary compensation at the full prescribed rate is entitled for the staff working round the clock in shift part duties on the following days. Option B is the right answer, national holiday. Question number 83. What is the normal period within appeal against a penalty has to be submitted by the charged employee? Option B, 45 days is the right answer. Question number 84. For reporting on a subordinate employee in APAR, the employee should have worked under the reporting officer for minimum of how many months?
It's a 3 month. Do you know what is the meaning of APR? Comment in comment box. No. चलो मैं आपको बताता हूँ. Annual Performance Appraisal Report is APR. Okay. Now question number 85. Frequency of JCM is once in a 6 month. That means in year 2 meetings held. Joint Consultative Machinery. Okay. Question number 86. When salary and wages of employees are drawn from the budget of a specified project, what are such posts called? It's called a work charge post. Question number 87. Substitutes may be given medical facilities in outpatient department for self. Option A is the right answer. Substitutes are eligible for medical facilities for self only in the output patient department, OPD. The service card ETC of the employee may be utilized as identification card for the purpose. Okay. Now, question number 88. All proposal for creation of post forwarded to board's office, that means railway board office, should be through general manager office of the railway. Option D is the right answer. Personal department. Okay, general manager. Question number 89. Wages under provision of IDA, Industrial Dispute Act, means A. DA and travelling concession, B. bonus and DA, C. TA plus grant, and D is none of the above. As per option, D is correct, none of the above. Question number 90. Under the standard of financial properties, the sanctioning authority must pay due regards to the principle that expenditure should prima facie be more or less than the occasion demands or less than the occasion demands. Option A true, B false, C cannot say, and D is none of the above. The right answer is false. As you know, the expenditure should not be point, concentrate on this sentence. The expenditure should not be prima facie more than the occasion demands. So here is not used. So the sentence is wrong. Okay. Question number 91. It is a very important question regarding in few examination. We have look. हमने देखा है कि इसमें ये बहुत क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं. तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं. फर्स्ट रेलवे बजट आफ्टर मर्जर विद द जनरल बजट वाज प्रेजेंटेड इन विच ईयर. तो ऐसा है कि मोदी साहब ने अनाउंसमेंट किया था कि हम 2016 में अनाउंसमेंट किया था कि हम इसको मर्ज करेंगे. और जो फर्स्ट बजट जो था, कंसोलिडेटेड बजट या यूनिफाइड बजट जिसे बोलते हैं, 2017-18 के लिए किया गया था. दैट मीन्स द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. अब ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है. तो अब जो क्वेश्चन बनेंगे वो सवाल ये बन सकते हैं कि कितने साल बाद, हाउ मेनी ईयर्स जो हैं वो बजट को मर्ज किया गया था. तो ये 92 ईयर्स के टाइम सामने किया गया था. 92 ईयर्स बाद ऐसा किया गया था. ठीक है. दूसरा सवाल ये बन सकता है कि जो यूनिफाइड बजट या जो कंसोलिडेटेड बजट, दो जिसको फाइनेंस फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन था जिसने इसको पुट अप किया था,
तो वो लेट बीजेपी लीडर जो अरुण जेटली जी थे, उन्होंने लेट डाउन किया था इन द पार्लियामेंट, जो सदन के पटल हैं उस पर उन्होंने पहली बार रखा था। तो ये दो तीन पॉइंट हैं जिनको आपको नोट करना चाहिए अपने दिमाग के अंदर। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 92। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट सन ड्राई अर्निंग्स इन रेलवे? ए पैसेंजर अर्निंग्स, बी गुड्स अर्निंग, सी अर्निंग अदर देन द पैसेंजर एंड गुड्स, एंड डी इज नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पे ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन मेरे हिसाब से डी हो जाएगा। गुड्स अर्निंग ठीक है, यहाँ पे कोचिंग अर्निंग होना चाहिए था, अर्निंग फ्रॉम द कोचेज या कोचिंग ऐसा कुछ ऑप्शन आता है तो उसको करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है। पैसेंजर अर्निंग के बदले में अगर अर्निंग फ्रॉम द कोच कोचिंग या टैरिफ होता तो मैं ऑप्शन सी को चूज करता, ठीक है, अदर देन द कोचिंग टैरिफ या फिर गुड्स जो है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, पैसेंजर अर्निंग्स दिया हुआ है। पैसेंजर अर्निंग्स भी एक उसके अंदर ही पार्ट है, ठीक है, जो रिजर्वेशन वगैरह के होते हैं। तो अब मेरे हिसाब से ऑप्शन डी होगा, आपको लगता है जो वो आप ऑप्शन चूज कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा ऑप्शन डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लान हेड फॉर स्टाफ क्वार्टर्स? तो स्टाफ क्वार्टर्स के लिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्लान हेड नंबर 51। 51 है जो है वो है स्टाफ क्वार्टर्स के लिए, और 52 जो है एमिनिटीज ऑफ फॉर स्टाफ के लिए भी है, और 53 जो है पैसेंजर एमिनिटीज के लिए है। तो ये तीन लगातार हैं, ठीक है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट जो होता है वो प्लान हेड 35 में है। एमएनपी जो होता है जिसे मशीनरी एंड प्लांट बोलते हैं, 41 में है। स्टोर सस्पेंस काफ़ी एग्जाम में आ चुका है, वो है 71 में। मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस जो है वो 72 में है। मिसलिनियस एडवांसेस जो हैं वो 73 में हैं। एक और आता है आरएस, जिसे रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम भी कहते हैं, वो 21 में आता है। इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट हैं, वो है न्यू लाइन का कंस्ट्रक्शन जो किया जाता है वो प्लान हेड 11 में है, और परचेज ऑफ ए न्यू लाइन जो है वो 12 में है। तो ये कुछ मैंने आपको आज ये बताया, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 के देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स? तो ये जब आप पढ़े हैं देख रहे हैं कि फाइनल मॉडिफिकेशन, रिवाइज एस्टिमेट एंड अगस्त रिव्यू, तो मैंने पहले भी आपको बताया था। तो यहाँ पे जो है अगस्त रिव्यू फर्स्ट होता है अगस्त में, फिर रिवाइज एस्टिमेट होता है दिसंबर में, और फाइनल मॉडिफिकेशन जो होता है वो होता है फरवरी में, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो हमने इसको ये बनाया है आपके लिए एक एनेक्चर। देखिए अगस्त रिव्यू इन अगस्त, रिवाइज एस्टिमेट इन दिसंबर, एंड फाइनल मॉडिफिकेशन इन फरवरी। ओके चलिए हम क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। द डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बजट अलॉटमेंट मेड टू रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉन्टेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये जो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन अलॉटमेंट जो किया जाता है, ये पिंक बुक में किया जाता है, और ये कई दफ़ा क्या जोन वाइज ही होते हैं, ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ केसेस ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी? ऑप्शन ए द एक्सपेंडिचर शुड नॉट प्राइमा फेसिया बी मोर देन ओकेजन डिमांड्स। यही एक पॉइंट है जो सही है, ठीक है, यहाँ पे भी। चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन से सही हैं। नो अथॉरिटी शुड एक्सरसाइज इट्स पावर सेंक्शन फॉर इट्स ओन एडवांटेज, ये पॉइंट भी सही है। सी अलाउंसेज ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय कैन बी सोर्स ऑफ ए प्रॉफिट, ये गलत है, यही गलत है। हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। ओके क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन 96 का ऑप्शन डी है, पब्लिक मनी शुड बी यूटिलाइज फॉर द पर्सनल बेनिफिट्स। पब्लिक मनी शुड नॉट बी यूटिलाइज फॉर द पर्सनल बेनिफिट, यहाँ पे नॉट होना चाहिए। ओके
तब जाके हमारा ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 को देख लेते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96 जिसका हम जिक्र कर रहे थे, पब्लिक मनी शुड नॉट बी यूटिलाइज फॉर पर्सनल बेनिफिट, मैं यही कह रहा था आपसे, तभी जाके ये जो ऑप्शन जो है केसेस ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का वो सेटिस्फाइड हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे टैपिंग इधर था जिसे मैंने करेक्ट वहाँ पे कर दिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 97 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शन, ए ऑडिट नॉट, बी स्पेशल लेटर्स, सी ड्राफ्ट ऑब्जर्वेशन स्लिप एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो सही है वो तीनों ही सही हैं, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए ऑडिट ऑब्जेक्शन के अंदर जो होते हैं स्पेशल लेटर्स भी होते हैं, ऑडिट नोट्स भी होते हैं, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स भी होते हैं, पार्ट ऑफ ANS और IRS एंड ड्राफ्ट ऑब्जेक्शन स्लिप भी होते हैं। ठीक है, तो ये चार मेरे ख्याल से होते हैं जो मुझे ध्यान है, बाकी आप भी पढ़ लीजिए कहीं अगर मिलता है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं। विथ इन वाट पीरियड ये ड्राफ्ट पैरा इज टू बी डिस्पोज्ड, ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विथ इन 1 वीक। ओके चलिए, क्योंकि डिस्पोजल ऑफ ए ड्राफ्ट पैराज और ए प्रोविजन पैराज शुड बी डिस्पोज इन 1 वीक एंड फाइनलाइजेशन ऑफ एक्शन टेकन नोट ऑन ऑडिट पैराज 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द रिपोर्ट टू बी पार्लियामेंट। ओके, तो फाइनलाइजेशन एक्शन जो होता है वो 1 महीने के अंदर जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है तब से। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, अंडर विच क्लासिफिकेशन हेड डज द अर्निंग्स फ्रॉम द कमर्शियल पब्लिसिटी कैटरिंग सेल प्रोसीड्स इंटरेस्ट एंड मेंटेनेंस चार्जेस ऑन साइडिंग ETC आर इंक्लूडेड इन सन ड्राई अर्निंग्स, यही सही आंसर है। ओके यस, इसे याद करने का सही तरीका है कि ये पूरी तरह से आप इनको याद करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 तो हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, बहुत जल्दी आ गए। एनी एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड रिक्वायर्ड हुज सैंक्शन, इट्स अ पार्लियामेंट, विदाउट सैंक्शनिंग इसको खर्च नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यही हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 से लेके 10 तक जो हैं वो हिंदी के क्वेश्चन हैं जिनको हम फटाफट देखेंगे। द प्रोविजन रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, बाय सिंपली सिंपल मेजोरिटी के साथ इसको अमेंड किया जा सकता है, हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 At present, how many languages are enlisted in the 8th schedule of the Constitution? It's a 22. Option D is the right answer. ठीक है, question number 103. In which of the official language rule 1976 is not applicable? ये Tamil Nadu पे applicable नहीं होता है, ठीक है, वहाँ लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 104 नंबर का क्वेश्चन, द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट वॉज पास इन 1963। ओके, ये सही है। देखिए इसमें हम कुछ और भी कर सकते हैं। ओला आजकल बहुत फेमस है तो हम इनको कैपिटल देते हैं OLA, ओला, ओला इन 1963। ठीक है, और
1976 का देख लेते हैं, इसको हम दे सकते हैं OLR, ठीक है, तो इसको भी हम कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि हमारा जो मोटिव है ना वो पूरा हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया आपको बात, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है हमारा, ये दो ऑप्शन तो बेकार हैं, लेकिन 1976 एंड 1963 के लिए आपको हमेशा कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन बना रहता है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट यानी कि ओला 1963 एंड OLR, दैट मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976, इनका अमेंडमेंट भी किया गया था 1987, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1987, देन 2007, देन 2011, ये अमेंडमेंट हुए थे इनके अंदर, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको भी यहाँ पे याद रख सकते हैं। चलिए आपके लिए क्वेश्चन नंबर 105 को देखते हैं। अकॉर्डिंग ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, इट्स ए इजी क्वेश्चन, तो ये 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 106, रिप्रेजेंटेशन में बी सबमिटेड बाई एन एम्प्लॉय इन हिंदी और इंग्लिश आइदर, ओके, ये रूल है और ये थंब रूल है, ओके, एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 एन एम्प्लॉय मे सबमिट एन एप्लीकेशन अपील और रिप्रेजेंटेशन इन हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, दैट मीन्स आइदर हिंदी और इंग्लिश, तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107, रिप्रेजेंटेशन व्हेन मेड साइंड इन हिंदी शैल बी रिप्लाइड इन हिंदी ओनली, ओके, अगर ये साइन किया हुआ है या हिंदी में लिखा हुआ है तो उसका जवाब हिंदी में ही देना है, ये रूल है, ठीक है। एनी एप्लीकेशन, एनी अपील और एनी रिप्रेजेंटेशन रेफर टू इन ए सब रूल 1 व्हेन मेड और साइन इन हिंदी शैल बी रिप्लाइड इन हिंदी, जब उपनियम 1 में विनिर्दिष्ट कोई आवेदन या अपील या अभ्यावेदन हिंदी में किया गया हो या उस पर हिंदी में हस्ताक्षर ही किए गए हों तब उसका उत्तर हिंदी में ही दिया जाएगा, इट्स अ थंब रूल, ओके, तो सब रूल नंबर 1 के हिसाब से। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 है, ऑल नेम प्लेट्स साइन बोर्ड लीटर हेड इंस्क्रिप्शन और ऑन एनवेलप एंड अदर्स एसेसरी आइटम्स सेल बी इन हिंदी और इंग्लिश, ओके, दिस इज द राइट आंसर, ये सब द्विभाषीय में होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 109 है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट ऑफिशियल लैंग्वेज रूल इज ऑफ, तो ये कह रहा है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल यानी कि जो नियम है उनको उसकी जो मतलब क्या बोलेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व जो है उसको इम्प्लीमेंट कराने की किसकी होती है, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट की उत्तरदायित्व होता है, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं कि केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का उत्तरदायित्व होगा कि राजभाषा नियम 1976 को लागू करवाया जाए, इम्प्लीमेंट करवाया जाए, यही सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 पे आ गए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 सितंबर, अभी हाल में ही गया है, ठीक है, तो आप भी हिंदी में काम कीजिए, क्वेश्चन अंग्रेजी में था इस वजह से इसको इंग्लिश में ही हमने सॉल्व किया है, पर हिंदी के प्रति मेरी काफ़ी शुभेच्छा है और मेरी मैं भी हिंदी भाषी हूँ तो ये ठीक है, पर जिस हिसाब से जो क्वेश्चन मिलते हैं और जिस हिसाब से जो सॉल्व होते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं, ये कोई ये नहीं है कि भाई हिंदी में करना है या अंग्रेजी में करना है। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आप ईपीओ बनना चाहते हैं तो आपको बाइलिंगुअल होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको कहीं भी काम करना पड़ सकता है तो आपको अंग्रेजी आनी ही चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ, एक लेवल पे जब कोई यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उनको भी एक पेपर देना पड़ता है जो टेस्ट के रूप में होता है, तो आप भी एक ऑफिसर बनेंगे तो आई होप, मेरी शुभकामना आपके साथ है,
तो आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों में काम करने चाहिए और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हमको काम करना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट जो वीडियो होगा मैं कोशिश करूँगा कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि वीडियो किसी नियर एंड डियर के साथ मदद कर सकता है तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। रिक्वेस्ट करना मेरे हाथ में, शेयर करना आपके हाथ में। थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और देखते हैं कौन सा वीडियो आता है। तो